गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सोशल साइंस लेसन नंबर 1 एक्सरसाइज पार्ट, यानी लेसन 1 आपको जो पढ़ाया गया है और सोलार सिस्टम के बारे में उसके एक्सरसाइज बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम आते हैं। देखिए, पहला दिया है बच्चों टिक द करेक्ट ऑप्शन। जरा मीनिंग समझिए, ऑप्शन माने होता विकल्प, ऑप्शन मीन्स विकल्प। यहाँ चार चार विकल्प दिए गए हैं, फोर फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, जो करेक्ट होगा उस पर आपको सही का निशान लगाना है। टिक करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए द यूनिवर्स वाज बॉर्न। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, वाज बॉर्न माने पैदा हुआ था। द यूनिवर्स वाज बॉर्न आउट ऑफ ए ह्यूज एक्सप्लोशन कॉल्ड द, ह्यूज माने विशाल, एक्सप्लोशन माने विस्फोट, यानी जो हमारा ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट से पैदा हुआ था उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है बिग बैंग, सेकंड बी ऑप्शन है हाई बैंग, नंबर थर्ड है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बिग बैंग से हमारा यूनिवर्स बॉर्न हुआ था यानी ब्रह्मांड पैदा हुआ था, कि हाई बैंग से हुआ था, या इनमें से किसी से नहीं। तो आपका नंबर 1 ए ऑप्शन बिग बैंग सही है। कौन सा? बिग बैंग, यानी ब्रह्मांड का जो विस्तार हुआ था, ब्रह्मांड का जो फैलाव हुआ था, ब्रह्मांड की जो रचना हुई थी वो बिग बैंग थ्योरी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अदर मेंबर्स ऑफ आवर सोलार सिस्टम। हमारे सोलार सिस्टम में जो अदर मेंबर्स हैं यानी अन्य बॉडी पिंड हैं, गेट हीट एंड लाइट। गेट मीन्स प्राप्त करते हैं, हीट माने ऊष्मा, लाइट मीन्स प्रकाश, फ्रॉम माने से, यानी और जो मेंबर्स हैं अर्थ के अलावा वो ऊष्मा और लाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसमें दिया है नंबर ए मार्स, ये प्लैनेट है, ग्रह का नाम है। नंबर बी है अर्थ, ये भी प्लैनेट का नाम है। नंबर सी दिया है सन, यानी सन से पाते हैं, सूर्य से पाते हैं, कि पृथ्वी से पाते हैं, कि मार्स प्लैनेट से पाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है बच्चों, देखिए नंबर 2 का सी सही है, यानी जितने भी आकाशीय पिंड हैं अर्थ को लेकर के सभी किससे पाते हैं हीट और लाइट, सन से पाते हैं, यानी सूर्य से सभी गर्मी यानी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। नंबर 3 पाइए, द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन आवर सोलार सिस्टम इज, नंबर मीन होता है संख्या और नंबर माने गिनती भी होता है, तो यहाँ संख्या का बोध करा रहा है। द नंबर्स ऑफ प्लैनेट्स यानी ग्रहों की संख्या इन आवर सोलार सिस्टम, हमारे सौरमंडल में इज मीन्स है, यानी हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। ऑप्शन दिया है नंबर ए 7, नंबर बी दिया है 8, नंबर सी दिया है 9। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आपका 3 वाला है, 3 का बी पार्ट यानी 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं बच्चों? 8, कुल 8 ग्रह हैं। यद्यपि 9 प्लैनेट्स की बात आती है, लेकिन प्लूटो जो है अब प्लैनेट से अलग कर दिया गया है, यानी प्लूटो में एक आकाशीय पिंड होने के साथ जो ग्रहों के लक्षण पाए जाते हैं, तो बहुत धीमी गति से उसकी रोटेशन है और वो उन शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए प्लूटो को निकाल दिया गया है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 8 आपका, ये बी वाला जो है ऑप्शन सही है। नंबर 4 पर चलते हैं, ए मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स, यानी तारों का जो एक विशाल संग्रह है, मैसिव कलेक्शन है, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स का इज कॉल्ड, जो धूल के कणों गैसों से बना उसे क्या कहते हैं हम, यानी जो तारों का एक विशाल समूह है जो धूल कणों और गैसों से बना उसे क्या कहते हैं। नंबर ए दिया है गैलेक्सी, आकाशगंगा, नंबर 2 दिया है मून, चंद्रमा, नंबर सी पर दिया है सन, सूर्य। इसका ऑप्शन जो सही है वो है गैलेक्सी। क्या है? गैलेक्सी, यानी जो मैसिव कलेक्शन स्टार्स का होता है, जो धूल कणों और गैसों से बना, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक,
अगला देखते हैं नंबर फाइव पर, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द, यानी मून जो है, चंद्रमा जो है, नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह है, किसका है ये बताना है आपको। तो आप लेसन पढ़ें अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मून किसका नेचुरल सैटेलाइट है, यानी चंद्रमा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आंसर सही है अर्थ, जबकि ऑप्शन ए में दिया गया है सन, ऑप्शन बी में दिया गया है वीनस, नंबर सी पर दिया गया अर्थ। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, अर्थ। क्या हो जाएगा? अर्थ यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। एक बार फिर से देखते हैं, आपका ए सेक्शन का टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। उसमें नंबर वन का बी बी बैंग है, नंबर टू का सी सन है, नंबर थ्री का बी पार्ट एट है, नंबर फोर का ए पार्ट गैलेक्सी है, नंबर फाइव का सी पार्ट अर्थ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। इसमें बी सेक्शन में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल माने भरो, ब्लैंक्स माने खाली स्थान, यानी खाली स्थान पर आपको उचित शब्द भरना है। इसमें क्वेश्चन जो पहला बनता है आपके लिए, देखिए, देयर आर मैनी, फिर गैप दिया गया है इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड में देयर आर मैनी माने बहुत सारे हैं, क्या हैं, तो आपका है गैलेक्सीज, यानी ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। जो हमारी आकाशगंगा है सोलार सिस्टम की, उसको हम मिल्की वे कहते हैं, यानी सन जो है वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। मैंने कल बताया था सूर्य किसका चक्कर लगाता है, आकाशगंगा का, और सभी ग्रह पृथ्वी को लेकर जितने आठ ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य का, और सभी उपग्रह जैसे मून है वो अर्थ का, और अपने अपने जो ग्रहों के उपग्रह हैं वो अपने अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया? देयर आर मैनी क्या फिलअप करेंगे, गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। नंबर टू है खाली स्थान है। उसके बाद दिया गया है वॉस काउंटेड एज द नाइन्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में नौवा ग्रह की संख्या किसे दी गई है, या नवें नंबर पर किस ग्रह को मान्यता मिली है, तो वह है आपका प्लूटो। नवे ग्रह के रूप मान्यता इसको मिली है, लेकिन ये डॉर्फ प्लैनेट है, बौना ग्रह इसको दे दिया गया, अब ग्रहों के से बाहर हटा दिया गया, डॉर्फ प्लैनेट का इसका नाम दे दिया गया है। नंबर थ्री देखिए, सैटेलाइट्स मूव अराउंड द, जितनी सैटेलाइट्स हैं मूव अराउंड द, किसके अराउंड मूव करती हैं, तो समझ सकते हैं जितने सैटेलाइट्स हैं वो अपने अपने प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं, तो क्या फिलअप करेंगे, प्लैनेट्स। ऑल द सैटेलाइट्स मूव्स अराउंड टू देयर प्लैनेट, जितने उपग्रह हैं सब अपने अपने ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाथ, पाथ माने होता रास्ता, द पाथ इन विच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड, जिस रास्ते से सूर्य का चक्कर प्लैनेट लगाते हैं उस पाथ यानी उस रास्ते को क्या कहते हैं। इसमें इंग्लिश में नाम मिला है ऑर्बिट्स, क्या नाम मिला है, ऑर्बिट्स, यानी अपने अपने ऑर्बिट पर, अपने अपने परिधि पर, अपने अक्ष पर, ये अक्ष पर जो है ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हैं, नहीं तो फिर ये लड़ जाते, अगर इनकी ऑर्बिट्स न होती तो हो सकता है छिटक जाते, दूर हट जाते और एक दूसरे में टक्कर हो जाती, इसलिए अपने अपने ऑर्बिट पर जो है सूर्य का चक्कर लगाते, जितने भी ग्रह हैं, यानी अर्थ अपने ऑर्बिट पर लगाती है, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब अपने अपने ऑर्बिट पर लगाते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश दिया है पहले पांचवें में, इज द ओनली बॉडी इन आवर सोलार सिस्टम दैट हैज इट्स ओन लाइट, केवल हमारे सोलार सिस्टम में मात्र ऐसा पिंड है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सौर मंडल में किसका अपना खुद का प्रकाश होता है, मात्र सूर्य ही है, यानी तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है, किसका, तारों का। तो अपने हम सोलार सिस्टम की बात करेंगे तो सन में खुद का अपना प्रकाश है, और अन्य किसी ग्रह या अन्य किसी उपग्रह में न उनका हीट है, न उनका लाइट है, न उनका ऊष्मा है, न प्रकाश है। चलते हैं नंबर सी पर। नंबर सी पर दिया गया है स्टेट ट्रू और फॉल्स, सत्य हो तो ट्रू लिखना है, फॉल्स यानी असत्य हो तो आपको फॉल्स राइट करना है। ट्रू मीन्स सत्य, फॉल्स मीन्स असत्य। तो आइए देखते हैं नंबर वन को,
स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, जो स्टार्स हैं वो हॉट बॉल्स, हॉट माने गर्म, बॉल माने यहाँ गेंद को इंडिकेट किया है, स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग, बर्निंग माने जलने वाले, गैस माने गैस, यानी जितने स्टार्स हैं वो हॉट बॉल बर्निंग गैस वाले हैं, यानी वो गोल आकार में हैं और ज्वलनशील गैसों से युक्त, अर्थात उनमें ज्वालाएं निकलती रहती हैं। ये सही है गलत है? निश्चित रूप से क्या है, ये ट्रू है, पहला आपका सत्य है। नंबर सी के सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, प्लैनेट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट ऑफ द लाइट सन, सन से लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी सन के माध्यम से प्रकाश को प्राप्त करके रिफ्लेक्शन करते हैं, परावर्तित करते हैं, ये भी पार्ट आपका ट्रू है, यानी नंबर सी का ट्रू फॉल्स भी, नंबर वन भी ट्रू है, नंबर टू भी ट्रू है, बुक पे आप लोग जाकर के टिक आउट कर लीजिएगा। नंबर थ्री है, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, ये बात गलत है, इसलिए आपका थ्री का फॉल्स लगाएंगे। नंबर फोर है, सेटेलाइट्स और स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी, सेटेलाइट्स मीन्स उपग्रह और स्मॉल, स्मॉल माने छोटी, सेलेस्टियल बॉडी माने आकाशी पिंड, यानी उपग्रह जो हैं वो क्या हैं, छोटे आकाशी पिंड होते हैं, तो ये भी बात आपकी सही है। नंबर फोर पर भी आप ट्रू लगाएं, क्या लगाएंगे, ट्रू। आइए नंबर फाइव को देखते हैं, मून हैज इट्स ओन लाइट, मून माने अपना खुद का लाइट माने प्रकाश, चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ये हम आपको समझने के लिए छोड़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए, बताइए आप लोग चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश होता है, जवाब दीजिए, होता है नहीं होता है, मैंने पहले बताया सन के अलावा किसी और आकाशीय पिंड के पास न अपना प्रकाश है न ऊष्मा है। आप रात में देखते हो, कहते हो नहीं सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, गलत बता रहे हैं, रात में तो चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए बच्चों, ये जो सन की लाइट पड़ती है हमारे अर्थ पर, तो अर्थ भी ऐसी चमकती हुई दिखाई पड़ेगी दूसरे ग्रहों से देखेंगे, जिस प्रकार से मून लाइटेड पार्ट उसका दिखता है, यद्यपि उसका खुद का प्रकाश नहीं, न किसी भी ग्रह का न किसी उपग्रह का अपना खुद का प्रकाश है, चंद्रमा को भी अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता, वही प्रकाश जो है चंद्रमा पर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे अर्थ में हमको रात में दिखाई पड़ता है। आइए डी पॉइंट चलते हैं, डी पॉइंट में क्या दिया है, गिव वन वर्ड, यानी जो भी क्वेश्चंस आपके हैं उसको वन वर्ड यानी एक शब्द में क्या देना है, आपको जवाब देना है, आंसर देना है। आइए जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नंबर वन है, इन विच गैलेक्सी, किस गैलेक्सी में, किस आकाश गंगा में डज आवर सोलार सिस्टम लाई, हमारा सौर मंडल आता है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी में आता है उसका नाम देना है, तो क्या है, चाहे कहिए मिल्की वे चाहे आकाशगंगा कहिए, मिल्की वे या आकाशगंगा गैलेक्सी में हमारा सोलार सिस्टम यानी सौर मंडल आता है, तो यहाँ क्या मैंने लिखा है, आकाशगंगा लिखा है, ठीक। नंबर टू, डी पार्ट के नंबर टू पे आते हैं, व्हाट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलार सिस्टम, हमारे सौर मंडल के सेंटर, सेंटर यानी मध्य में कौन स्थित है, तो निश्चित रूप से मैंने कल लेसन बताया था कि सन जो है सेंटर में, सूर्य बीच में है और सारे प्लैनेट्स जो हैं उसके किनारे किनारे हैं और अपने ऑर्बिट पर सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं, तो सेंटर में कौन है, सन है, नंबर टू का सन आप आंसर देंगे। नंबर थ्री देखिए, व्हाट इज ए ह्यूज एक्सप्लोशन, ह्यूज माने विशाल, एक्सप्लोशन माने विस्फोट, व्हाट इज ए ह्यूज एक्सप्लोशन कॉल्ड, यानी जो विस्फोट, भयंकर विस्फोट है, उसे हम क्या नाम दिए हैं ज्योग्राफी भूगोल में, उसका नाम दिए हैं बिग बैंग, यानी बिग बैंग थ्योरी से हमारे यूनिवर्स का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड की रचना हुई है, ठीक। नंबर फोर, अंतिम पॉइंट आपका डी का है, व्हाट आर द बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस कॉल्ड, जो मैंने बताया कि बॉल यानी गेंद, व्हाट आर द बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस कॉल्ड, यानी ज्वलनशील गैसों के बॉल की तरह जो ज्वलनशील पिंड हैं उनको क्या कहा जाता है, आंसर दीजिए, क्या कहा जाता है, निश्चित रूप से स्टार्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टार्स, अंतिम विकल्प आपका है स्टार्स, क्योंकि ये गैसों के बने हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, ये भी ध्यान लीजिए, आपके बुक में नहीं है, मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन
और हीलियम गैस हसन में या सभी तारों में इसी से इनका निर्माण हुआ है। इस तरह से ये आपका लेसन फिनिश होता है बच्चों। इसमें ए बोर्ड में आपको करेक्ट ऑप्शन लगाना था, बी में फिलिंग ब्लैंक्स करना था, सी में ट्रू फॉल्स करना था और डी में गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग करना था। ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।